देवप्रयाग पहुंचती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से आकर मिलती है कौन नदी की धारा? भागीरथी। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, जो उत्तर काशी और टिहरी होते हुए देवप्रयाग से जुड़ती है। प्रशासन ने टिहरी बांध में पानी रोक दिया, जिससे भागीरथी का बहाव सामान्य से कम हो गया। देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर लेते हैं गंगा का रूप, और फिर गंगा आगे बढ़ते हुए पहुँचती है ऋषिकेश और फिर हरिद्वार। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करके बताया कि सुबह 10 बजे ऊपर से आती नदी की इस धारा ने ग्लेशियर फटने से जो विकराल रूप लिया था, दोपहर के 3 बजे कर्णप्रयाग आते आते वो सामान्य हो गया था। अब हम आपको एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से दिखाते हैं कि ग्लेशियर टूटने से कितना नुकसान हुआ है, आसमान से तबाही के मंजर कैसे नजर आ रहे हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी मदद के काम में लगातार जुटे हुए हैं। इन्हीं में से कुछ जगहों पर रेकी की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुदरत के इस कहर से कितनी बर्बादी हुई है, सब कुछ तबाह हो गया तहस नहस। जहां देखिए दूर दूर तक बस मलबा नजर आ रहा है। ये आसमान से ली गई तस्वीरें हैं, जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। एयरफोर्स भी लगातार लोगों की मदद के लिए इस इलाके में मुस्तैद है, और एक हेलीकॉप्टर से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख रहे हैं सैलाब का प्रकोप हर तरफ नजर। चमोली जिले के जोशीमठ में ये जो रेणी इलाका है जहां पर ग्लेशियर टूटा, हौली गंगा घाटी में उसी से ये तबाही मची है। जान माल का बड़ा नुकसान। उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा जैसी नौबत आने से तो बच गई, लेकिन एहतियातन वायु कर दिया गया है।